दोस्तों ये है नथिंग ब्रांड का पहला प्रोडक्ट ईयर वन। अब सबसे पहले तो बात करते हैं ये जो नथिंग ब्रांड है ये क्या है। वैसे जो नाम है ये एक तरह से जेनरिक नाम है और काफ़ी सिचुएशंस में काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है, जैसे कि ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड्स है। अगर आप इसे ख़रीदते हैं आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग इसे डेफिनेटली ख़रीदने वाले हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि ये क्या है, किस ब्रांड का है और आप कहते हैं नथिंग, तो हो सकता है कि वो जो व्यक्ति है कन्फ्यूज़ हो जाए अगर उसे पता नहीं है, या फिर आपसे नाराज़ भी हो सकता है। और आगे चल के जो दूसरे ब्रांड्स हैं अगर वो कोई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं तो उन्हें ये जो नथिंग शब्द है इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो प्रेजेंटेशन होगा उसमें अगर वो कहते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है इट इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट, नथिंग कैन बीट इट, या फिर वो कहते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है उसका जो प्राइजिंग है नथिंग कैन बीट इट, तो बहुत ही कन्फ्यूजिंग सा हो जाता है ये जो ब्रांड ने जो नाम सेलेक्ट किया हुआ है नथिंग। वैसे जो प्रोडक्ट है इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहले तो जो प्राइसिंग है 5,999 रुपीज़, जो प्राइसिंग है ब्रांड ने ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया है काफ़ी समय पहले, और इस प्राइस में आपको ये जो प्रोडक्ट मिलता है ऑसम लेवल का है। लेकिन क्या ये ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड्स एप्पल एयरपॉड्स को टक्कर दे पाएगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन वाकई में ये जो पहला प्रोडक्ट इस कंपनी ने लॉन्च किया है ये कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया है, मतलब कि इट इज़ गुड फॉर नथिंग, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते रहिए। तो ये है नथिंग ब्रांड का पहला प्रोडक्ट ईयर वन, और ये इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग में आया था। ये जो प्रोडक्ट है इसका मैंने ऑलरेडी यूज़ करना शुरू कर दिया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो पैकिंग है ये देखिए इस प्रकार की थी, और ये जो बॉक्स है इसके अंदर एक तो ये मिला था चार्जिंग केस, और चार्जिंग केस के अंदर ये वायरलेस ईयरबड्स हैं जो कि यूनिक प्रकार के दिखते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ईयर प्लग्स दिया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो इनका उपयोग कर सकते हैं आपके कंफर्ट के हिसाब से। ये है यूज़र मैनुअल और वारंटी बुकलेट। देख सकते हैं कि ये जो पैटर्न है टेक्स्ट पैटर्न डॉट मैट्रिक्स स्टाइल ये हर जगह फॉलो किया हुआ है, और ये है केबल टाइप सी केबल जिसका उपयोग करके ये जो चार्जिंग केस है इसे आप चार्ज कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए USB टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है, और यहाँ पर बटन है, इसका उपयोग करके आप इन ईयरबड्स को स्मार्टफोन के साथ में पेयर कर पाएंगे। वैसे जो ईयरबड्स है ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएंगे आपके स्मार्टफोन के साथ में। तो ये देखिए ऐसा दिखता है ये केस, यहाँ पर LED लाइट है, और जो ईयरबड्स है ये देखिए इस प्रकार के हैं। जो ईयरबड्स की क्वालिटी है ऑसम लेवल की है, ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में आता है, और एक तरह से ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन है। अंदर जो सर्किट है वो आप एक्चुअली यहाँ से देख पाएंगे, और ये देखिए यहाँ से आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा। चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है। जो चार्जिंग केस है उसे इस प्रकार से डिज़ाइन किया हुआ है कि जब कभी आपको इस ईयरबड को चार्जिंग केस में डालना है तो ये देखिए आराम से यहाँ पर फिट हो जाता है। और एक और चीज़ आप नोट करेंगे, यहाँ पे देखिए रेड डॉट दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए वाइट डॉट दिया हुआ है, तो बेसिकली ये आपके राइट ईयर में जाने वाला है और ये आपके लेफ़्ट ईयर में जाने वाला है, तो आपको एक्चुअली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो कलर कोड दिया हुआ है ये आपका जो काम है इसे आसान बनाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी रेड कोड है, रेड कलर कोड, और ये देखिए ये भी रेड है, मतलब कि आपको इसे यहाँ पर डालना है। तो छोटी छोटी डिज़ाइन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। जो केस है इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, ट्रांसपेरेंट टाइप का केस है, और ये काफ़ी यूनिक चीज़ है, यहाँ पर एक तरह से सर्कुलर गैप दिया हुआ है, तो ये जो सर्कुलर गैप है ये काफ़ी सिचुएशंस में काम में आता है। और ये जो गैप है यहाँ से आपको आइडिया भी मिल जाता है कि ये किस साइड से खुलने वाला है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है एक तरह से स्क्वायरिश टाइप का है, ऑफकोर्स साइड में से थोड़ा सा कर्व हो जाता है। और ये देखिए नीचे से ये इस प्रकार का दिखता है, तो इम्प्रेसिव केस है, और जो ईयरबड्स हैं ये भी इम्प्रेसिव क्वालिटी के हैं। ये देखिए जो ईयरबड्स है इन्हें एक पर्टिकुलर एंगल पर टिल्ट किया हुआ है ताकि आपके कानों में ये अच्छी तरीके से फिट हो जाए। इनफैक्ट जो फिट है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही कम्फर्टेबल है और काफ़ी सिक्योर है, इतनी आसानी से गिरने वाला नहीं है। तो ईयर वन करके जो एप्लीकेशन है उसे आपके स्मार्टफोन पर डाउनलोड करना है, और यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शंस दिया हुआ है, नॉइज़ कैंसिलेशन, ट्रांसपेरेंसी और ऑफ़। नॉइज़ कैंसिलेशन जो बैकग्राउंड आवाज़ें हैं उसे कम करता है, ट्रांसपेरेंसी मोड दिया हुआ है जिसका उपयोग करके जो बैकग्राउंड आवाज़ें हैं आपको अच्छी तरीके से सुनाई देगी, मतलब कि बैकग्राउंड अवेयरनेस एक तरह से क्रिएट करता है, और ऑफ़ ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये जो ऑप्शन है दूसरे जो ईयरबड्स होते हैं उनकी तरह है, और यहाँ पे देखिए इक्वलाइज़र ऑप्शन दिया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट ये बैलेंस्ड पर सेट किया हुआ है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा ट्रबल चाहिए या फिर ज़्यादा बेस चाहिए तो यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं, लेकिन जो बैलेंस सेटिंग है परफेक्ट है, इंडियन यूज़ के लिए परफेक्ट है। ये इन ईयर डिटेक्शन सेंसर के साथ में आता है जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि कब आपने इन ईयरबड्स को पहना हुआ है। और ये देखिए टच कंट्रोल्स, तो यहाँ से आप जो जेस्चर कंट्रोल्स है उसे सेटअप कर सकते हैं, ट्रिपल टैप, डबल टैप, टैप एंड होल्ड,
वगैरह वगैरह। तो ये जो स्टिक हैं ये बेसिकली टच एरिया है। तो ये जो ईयरबड्स है इन्हें मैं कुछ दिनों से उपयोग कर रहा हूँ और इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट जो फिट है बहुत ही कम्फर्टेबल है, कानों को बहुत ही बढ़िया तरीके से सील करता है और काफ़ी लाइटवेट भी है। जो ईयरबड्स हैं उनका वज़न है 4.7 ग्राम्स और ये सिक्योरली आपके कानों में फिट होने वाले हैं, इतनी आसानी से गिरने वाले नहीं हैं। इस पर लिक्विड सिलिकॉन टिप का उपयोग किया गया है जो कि एक तरह से स्किन फ्रेंडली भी है और काफ़ी कम्फर्टेबल है। तो यूनिक चीज़ ये है कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है आपको सब कुछ दिखता है। एक तरह से ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन है जो कि इसकी यूनिक चीज़ है। जो केस है वो भी ट्रांसपेरेंट है और ये जो ईयरबड्स है ये भी ट्रांसपेरेंट है। अगर आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो जो दूसरा व्यक्ति है उसे आपकी आवाज़ बहुत ही क्लियरली सुनाई देने वाली है। वैसे ये जो प्रोडक्ट है इसमें वेयर सेंसर है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि कब आपने इसे पहना हुआ है। और दूसरी चीज़ ये ANC के साथ में आता है, एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन। ये बेसिकली जो बैकग्राउंड आवाज़ें हैं उसे कम करता है और जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है ANC की। वैसे जैसे कि मैंने आपको बता दिया इसमें दो मोड्स दिया हुआ है तो अकॉर्डिंगली आप जो ANC लेवल्स है उसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये जो ANC की क्वालिटी है अगर मैं Apple AirPods Pro के साथ में कंपैरिजन करूं तो काफ़ी हद तक अच्छी है। इसमें 11.6 mm बिग ड्राइवर्स का उपयोग किया गया है और साउंड क्वालिटी ऑसम लेवल की है। वैसे मुझे ज़्यादा डिफरेंस महसूस नहीं हुआ इसकी जो क्वालिटी है वर्सेस जो Apple AirPods Pro की क्वालिटी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो ईयरबड्स है अगर आप गेम खेलते हैं तो वहाँ पर सिंक इशू है, मतलब कि बुलेट पहले फायर होता है और फिर थोड़ी देर के बाद आपको साउंड सुनाई देता है। जो डिफरेंस है काफ़ी कम है लेकिन नोटिसेबल है। इंडिविजुअल ईयरबड्स में 3 माइक्रोफोन दिया हुआ है जो कि खास करके जब ANC फीचर का आप उपयोग करते हैं तो काफ़ी काम में आता है। तो साउंड क्वालिटी कैसी है? इसमें जो डिफ़ॉल्ट बैलेंस मोड जो है वो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को पसंद आने वाला है, काफ़ी अच्छा है इंडियन यूज़र्स को खास करके। बेस बढ़िया है जैसे इंडियन यूज़र्स को पसंद आता है, वोकल्स क्लियर है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी काफ़ी बढ़िया है। जैसे कि मैंने कहा इसकी जो क्वालिटी है ऑलमोस्ट जो Apple AirPods Pro है, काफ़ी हद तक उसके जैसा परफॉर्मेंस आपको इस पर मिलता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इसे मैं कितना रेटिंग देने वाला हूँ। वैसे जितने भी ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड्स को मैंने 4.5 या उससे ज़्यादा का रेटिंग दिया हुआ है उसे आप आंख बंद करके खरीद सकते हैं। इसका रेटिंग डेफिनेटली 4.5 से ज़्यादा है। इसे मैं 4.7 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दूंगा, थोड़ा सा कम है Apple AirPods Pro के कंपैरिजन में। लेकिन प्राइसिंग अगर आप देखें 5,999 रुपीज़ तो उसके हिसाब से बेस्ट, मुझे लगता है कि बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है इस प्राइस रेंज में। बैटरी लाइफ भी इसकी काफ़ी बढ़िया है, आपको अप टू 5.7 आवर्स का नॉन स्टॉप यूसेज मिल सकता है इन इंडिविजुअल ईयरबड्स के साथ में। और चार्जिंग केस के साथ में आपको तकरीबन 34 आवर्स का यूसेज टाइम मिल सकता है और फास्ट चार्जिंग भी सपोर्टेड है। जो चार्जिंग केस है 10 मिनट्स का चार्ज अगर आप करते हैं केस को तो आपको तकरीबन 8 आवर्स का यूसेज टाइम मिल सकता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, ये जो केस है ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड्स हैं, प्राइसिंग 5,999 रुपीज़ और इसमें वो सारे फीचर्स आपको मिलते हैं जो कि आपको एक प्रीमियम ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड्स में मिलते हैं। सिर्फ एक ही इशू है कि गेमिंग के दौरान मामूली सा सिंक इशू है, मतलब कि बुलेट पहले फायर होता है और साउंड थोड़ा सा लेट आता है। इनफैक्ट ये जो डिफरेंस है काफ़ी कम है लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो अगर आप एक गेमिंग यूज़र हैं और ज़्यादा गेम्स खेलते हैं तो शायद मे बी आप वेट करना चाहेंगे कि आगे चल के जो अपडेट्स आते हैं वो इस इशू को फिक्स कर पाते हैं या नहीं। वैसे अब तक बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं और अगर आगे चल के कोई ऐसा अपडेट आता है जो कि ये जो इशू है इसे फिक्स करता है तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों ये प्रोडक्ट आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और देखते रहिए।